हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर स्वेटर का डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ। इसमें ये 10 फंदों का डिज़ाइन है, 12 का, दो उल्टे, 4 8 सीधे और 2 उल्टे, 12 फंदों का डिज़ाइन है। इसमें मैंने 20 फंदे डाले हैं, तो ये डिज़ाइन 2 बार में बन जाएगा। इसके लिए हमें पहले 2 उल्टे फंदे बुनने हैं, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके हमें आगे वाला फंदा पीछे की तरफ बुनना है। ये वाला फंदा इधर की तरफ लाना है, तो इसको पहले हम इधर से बुनेंगे, पहले पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ से बुनेंगे, फिर पहले फंदे को बुनेंगे, फिर इसको उतार देंगे। अब इधर से इसको इधर ले, इस वाले फंदे को इधर ले जाना है, तो पहले हम इधर इस वाले फंदे, पीछे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे, ठीक है। और फिर धागा पीछे ही रहेगा, फिर इस वाले फंदे को हमने आगे की तरफ से बुनना है, पहले आगे ले जाना है, फिर पहले फंदे को बुनना है, फिर दोबारा वही पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से बुनना है और इसे आगे की तरफ से बुनना है, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर वही डिजाइन है जो सेकंड नंबर का फंदा है हमारा, धागा पीछे करके उसको हमने आगे से पहले बुनना है, फिर पहले वाले फंदे को सीधा ही बुनना है, ठीक है। फिर ये आगे वाले फंदे को बाद में बुनेंगे, पीछे से इस वाले फंदे को बुनेंगे, फिर सेकंड नंबर वाले फंदे को पीछे से बुनेंगे, फिर अब इसको आगे बुनना है। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनता चला जाएगा। अब इसको हमने धागा आगे नहीं करना, अभी इसको हमने पहले इस वाले फंदे को बुनना है, आगे करना है, पीछे वाले फंदे को आगे लाना है और इसको आगे से ऐसे ही बना देना है, ठीक है। ऐसे गोल छल्ला बन जाएगा ये। और फिर धागा आगे करके धागा वो आगे नहीं करना है, ये पीछे से, पहले पीछे का बुनना है फिर आगे का बुनना है। तो ये ही डिजाइन सेम टू सेम चलता चला जाएगा जैसे ये है। अब ये पीछे की वाली सिलाई में जो फंदे उल्टे हैं दिख रहे हैं हमें, हमें उन फंदों को उल्टे ही बुनना है। हम 8 फंदे उल्टे बुनेंगे जो हमारे डिजाइन है, ठीक है। फिर 2 फंदे सीधे, डिजाइन हमारा 8 फंदों का है जो मुड़ रहा है फंदा आगे पीछे होके, फिर 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके, फिर 8 फंदे उल्टे, छः, 7 और ये 8, फिर 2 फंदे सीधे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से बुनना है। अभी दूसरी सिलाई में फिर 2 फंदे हम ये पहले शुरू के उल्टे ले लेंगे, ये उल्टे हैं। फिर अब हमने ये जो जो फंदा इधर से इधर लिया था, अब ये पीछे की तरफ से पहले बुना जाएगा और इस वाले फंदे को इधर लिया जाएगा। पीछे वाला फंदा अगर लिया जाएगा, बीच का जो है, तो उसे पीछे की तरफ से बुनेंगे। धागा पीछे किया और पीछे की तरफ से बुन दिया, फिर आगे वाला फंदा बुनना है। तो ये इसकी ये मुड़ जाएगी डिजाइन, डिजाइन का मोड़ आ जाएगा। अभी इस वाले को पीछे लेना है, इसको आगे, तो हमें इस वाले फंदे को आगे लेना है, तो इसे आगे की तरफ से बुनेंगे और बाद में पहले वाले फंदे को बुनेंगे। तो ये हमारी गोल छल्ला बन गया, इसी तरह से ये हमारा गोल छल्ला बन गया। अब फिर हमने ऐसे ऐसे ही करना है, पहले पीछे वाले को लेना है, फिर आगे वाले को लेना है,
ऐसे ही फिर पीछे वाले को लेना है आगे की तरफ से, इधर घुमाना है तो इसे आगे की तरफ से लेना है, सीधा ही फंदा। फिर आगे वाला फंदा बुनना है। अब ये देखो ये छल्ले इस तरह से बुनते चले जाएंगे, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर इस वाले फंदे को हमने उधर ऐसे घुमाना है तो पीछे वाले बीच वाले आपके वाले फंदे को पहले बुनेंगे और इसे आगे से बाद में, और इसी तरह से इस वाले फंदे को आगे बुनेंगे पहले पीछे वाले को, और जिससे पीछे फिर आगे से ही बाद में, और इसी तरह से पीछे वाले फंदे को आगे बुनेंगे और पहले वाले फंदे को बाद में, और इसी तरह से ये पीछे वाले फंदे को आगे बुनेंगे आगे की तरफ से और आगे वाले को बाद में। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनता चला जाएगा। और अब उल्टी सिलाई उसी तरह से लेनी है, ये उल्टे फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे, 8 फंदे उल्टे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 2 फंदे सीधे धागा पलट के, धागा आगे, फिर 8 फंदे उल्टे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर धागा आगे पीछे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। फ्रेंड इस तरह से ये डिजाइन बनता चला जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये डिजाइन समझ में आ गया होगा और पसंद आएगा, ये किसी भी स्वेटर में डाला जा सकता है। थैंक यू।